पब्लिक टीवी आपकी आवाज। अब शहर और आसपास के क्षेत्रों में आपदा की स्थिति उत्पन्न होने पर आपको पुलिस की तत्काल मदद मिलेगी। इसके लिए राज्य नियंत्रण पुलिस इमरजेंसी प्रबंधन प्रणाली यूपी 100 परियोजना के तहत मुरादाबाद जिले को 16 बाइकें मिली हैं। गुरुवार को आईजी विनोद कुमार सिंह ने झंडी दिखाकर इन बाइकों को रवाना किया। किसी भी व्यक्ति की सूचना पर तत्काल पुलिस मदद उपलब्ध कराने के लिए शासन ने डायल 100 योजना शुरू कर रखी है, लेकिन कई बार एक ही समय पर एक से अधिक कॉल होने पर पीआरवी समय पर नहीं पहुंच पाती। इसे देखते हुए लखनऊ मुख्यालय ने बाइकों का इंतजाम किया है। मुरादाबाद को 16 नई बाइकें मिली हैं। इन नई बाइकों में से सिविल लाइन्स, कोतवाली सिटी, नागफनी, मुगलपुरा, गल शहीद कटघर और मूढ़ा पांडे थाने को 2-2 बाइकें दी गई हैं और एक बाइक बिलारी थाने को मिली है, जबकि एक रिजर्व रखी गई है। पहले से फोर व्हीलर्स की व्यवस्था डायल 100 के तहत थी जनपद मुरादाबाद में, उसको सप्लीमेंट करने के लिए और मजबूती देने के लिए 16 टू व्हीलर्स डायल 100 के तहत आज हम लोगों ने मोटरसाइकिल डाली है शहर में। और हम उम्मीद करते हैं 3 शिफ्ट पर ड्यूटी रहेगी 24 आवर्स, और हम उम्मीद करते हैं कि जो हमारी पीआरवी जो गाड़ियाँ रही हैं फोर व्हीलर्स, उससे जो हमारी मोबिलिटी और फिजिबिलिटी रही है। और जैसा आपने देखा होगा पिछले 1.25 महीने में ही ऐसे 4 दृष्टांत आए जब कई लोगों की जान बचाई गई, तो हम लोगों ने उनको पुरस्कृत भी किया, सम्मानित भी किया, उत्साहवर्धन किया, उनका हौसला अफजाई किया। हम उम्मीद करते हैं कि इन 16 गाड़ियों को डालने के बाद हमारी मोबिलिटी और फिजिबिलिटी और बढ़ेगी और हम बेहतर सर्विसेज दे पाएंगे आम आदमी को और हमारा प्रबंधन मजबूत होगा और इसका फायदा। कितनी गाड़ी है, कौन कौन से थाना की कितनी गाड़ी थाना? अब वो अभी डिस्ट्रीब्यूशन हम लोगों ने अपना बनाया है, हर जिले थाने की उसका क्षेत्रफल, उसकी संवेदनशीलता के दृष्टिगत वो डिस्ट्रिक्ट प्लान है, वो आपको मिल जाएगा। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।